आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फिल्म और टेलीविजन एक्टर सुमेध मुद्गलकर के सभी टेलीविजन सीरियल, फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो और उनके वेब सीरीज के बारे में, जिन्हें स्पेशली जाना जाता है चक्रवर्ती अशोक सम्राट टीवी सीरियल में सुसीम के किरदार से और राधा कृष्ण टीवी सीरियल में भगवान श्री कृष्ण के किरदार से। तो अगर आप भी सुमेध मुद्गलकर के सभी टेलीविजन सीरियल, वेब सीरीज, फिल्म्स और उनके म्यूजिक वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सुमेध मुद्गलकर का जन्म 2 नवम्बर 1996 को पुणे में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव मुद्गलकर है और इनकी माता का नाम बसंती मुद्गलकर है। और अगर उनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। अब हम सुमेध मुद्गलकर के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुमेध मुद्गलकर ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2013 में डांस इंडिया डांस के सीजन 4 के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, जो की 2014 तक चली थी और वे इस शो के थर्ड रनर अप भी रहे थे। इसके बाद 2014 में दिल दोस्ती डांस में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2015 से 2016 तक चक्रवर्ती अशोक सम्राट में यंग सुसीम का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2018 से 2023 तक राधा कृष्ण टीवी सीरियल में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान राम का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2021 से 2022 में जय कन्हैया लाल की टीवी सीरियल में भगवान विष्णु का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2023 में अली बाबा एक अंदाज अनदेखा में हातिम का रोल प्ले किया था। इसके अलावा कुछ और टेलीविजन सीरियल में इनका स्पेशल अपीयरेंस रहा है, जैसे कि 2017 में झलक दिखला जा के 9वें सीजन में नजर आए थे। इसके बाद 2019 में नच बलिए के 9वें सीजन में नजर आए थे। इसी साल 2019 में जग जननी माँ वैष्णो देवी में अपनी आवाज दी थी। इसके बाद 2020 में देवा श्री गणेशा में भगवान कृष्ण का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2022 में स्वयंवर मिक्का दी बोहती में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2023 में बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 के एपिसोड 30 में नजर आए थे। और अगर हम सुदेश मुद्गलकर के म्यूजिक वीडियो के बारे में बात करें तो 2018 में खबर काशी तू, 2020 में मेरी है माँ, 2022 में तू ही तो है, 2023 में साजी से म्यूजिक वीडियो में इन्होंने काम किया है। तो सुदेश मुद्गलकर की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर के जरूर बताना। और सुदेश मुद्गलकर की कौन सी टीवी सीरियल आपको सबसे ज्यादा पसंद है और इन्हें आपने सबसे पहले किस टीवी सीरियल में देखा था कमेंट में लिखकर के जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने इस तरह की बहुत सारी वीडियो को अपलोड किया हुआ है। तो जाइए उन्हें देखिए और इंजॉय करें। तब तक मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में।